गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग एक्सरसाइज नंबर 2.5। सो इन अ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ग्रेटर, तो पहले नंबर में हमको 6 एग्जांपल दिए गए, उसमें हमको देखना है विच इज ग्रेटर। दो नंबर है, वी हैव टू नंबर्स एंड विच नंबर इज ग्रेटर, दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है वो हमको देखना है। सो ऐसे एग्जाम्पल स्टैंडर्ड 6 में भी मैंने आपको सिखाए थे, शायद आपको याद आए तो इसको रिमाइंड करना। सो 0.5 और 0.05, 0.5 का मतलब होता है 0.50 या 0.500। सो 0.5 और 0.05, तो कौन सा नंबर बड़ा है? सो 0.05 से बड़ा है, क्योंकि 0.50 कह सकते हैं इसको, 0.05 तो ये नंबर बिग है। सो यू कैन राइट हियर 0.5 ग्रेटर देन 0.05 एज इट इज। 0.7 और 0.5, तो इट इज़ सो इजी, ये तो हम आसानी से कह सकते हैं 0.7 बड़े है 0.5, सो 0.7 इज अ ग्रेटर नंबर देन 0.5, सो 0.7 ग्रेटर देन 0.5। नाउ थर्ड वन, 7 और 0.7, 7 बड़े है कि 0.7 बड़े है? तो ऑब्वियसली 7 इज अ बिगर नंबर, सो यू कैन राइट 7 ग्रेटर देन 0.7। एज इट इज वी आर गोइंग टू एग्जाम्पल नंबर 4, 1.37 और 1.49, तो यू कैन सी हियर पॉइंट के पीछे 37 एंड 49, तो विच इज बिगर? 49, सो वी कैन राइट हियर 1.37 लेस देन 1.49। सो जो नंबर बड़ा है उस तरफ ये निशानी आएगी, सो 1.37 लेस देन 1.49। एज इट इज 2.03 और 2.30, तो 0.33 है और ये 30 है, सो वी कैन राइट हियर 2.03 लेस देन 2.30, क्योंकि 2.30 नंबर बड़ा है। एज इट इज हम देखेंगे 0.8 और 0.80 है, तो 8 का मतलब होता है 0.80, 8 मतलब 0.80, तो 80 या 88 कौन से बड़े हैं? तो 0.88 बड़े हैं, तो 0.8 लेस देन 0.88, तो यहाँ तीनों में ग्रेटर देन और इस तीनों में लेस देन आंसर आ रहा है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है विच इज ग्रेटर। तो डेसिमल वालों में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, टेस्ट में भी मैंने पूछा था एज इट इज, अगले चैप्टर में आया था ऐसा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है 80 और 8 है तो दोनों सिमिलर है, तो कहाँ इक्वल टू रखना है, कहाँ लेस देन ग्रेटर देन रखना है, वो आपको ध्यान देना है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, तो डेसिमल से हमको रुपीज को कन्वर्ट करना है, एज इट इज चैप्टर बी स्टैंडर्ड 6 में आप सीख चुके हो, तो उसके रिवीजन जैसा ही है, तो थोड़ा इसमें और ध्यान रखना आप। सो रुपीज को पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, सो 7 पैसे मीन 7/100 इज इक्वल टू 0.07 रुपीज, 100 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0.07 रुपीज एज इट इज, 7 रुपीज 7 पैसे, तो इसको भी 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पर 7 पैसे को मैंने ऐसा भी सिखाया था, जब पैसे लिखने हो तो पैसे पीछे दो नंबर में आएंगे, क्योंकि 7 पैसे भी होते हैं 70 पैसे भी होते हैं, तो 7.7 लिखेंगे तो 7 रुपीज 70 पैसे हो जाएंगे, तो 7 पैसे को दो नंबर में लिखना पड़ेगा, तो आएगा 7.07 रुपीज, सो वी कैन राइट हियर 7.07 रुपीज, इसमें आपको अच्छा ध्यान रखना है, एज इट इज 77 रुपीज 77 पैसे, तो वी कैन राइट हियर 77.77 रुपीज, तो यहाँ पे ऐसे दो नंबर में ही है, दो डिजिट में ही है, तो 77 एज इट इज हम लिखेंगे, पर 7 पैसे है तो 07 हमको लिखना है, 8 पैसे है तो 08, 9 पैसे तो 09, देन 10 पैसे है तो 7.10, 11 पैसे तो 7.11, पर 1, 2, 3, 1, 2, 9 पैसे तो आगे 0 आपको रखना है। एज इट इज इन द 50 पैसे, सो 50 पैसे मीन्स 50/100, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के पीछे दो नंबर रहेंगे, सो वी कैन राइट हियर 0.50 रुपीस, 50 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.50 रुपीस। एज इट इज 235 पैसे, तो डिवाइड बाय 100 हम करेंगे
सो वी गेट 2.35, 100 से डिवाइड करेंगे पॉइंट के पीछे दो नंबर आएंगे, सो वी गेट 2.35 रुपीज। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इन वेरी वेल। अगेन नेक्स्ट, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। तो यू नो अबाउट मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में हमको कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम करेंगे तो देखेंगे। सो सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे सो 10 से डिवाइड करेंगे, सो हियर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 upon 100 मीन्स 0.05 मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएगा, 100 से डिवाइड किया तो 5 upon 100 मीन 0.05 मीटर। फिर इसको किलोमीटर में जब कन्वर्ट करना होगा, सो मीटर और किलोमीटर का जो रिलेशन है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो इसमें 1000 का रिलेशन है तो 1000 से डिवाइड करेंगे 0.05 upon 1000, तो डिवाइड बाय 1000 लिखिएगे तब किलोमीटर हो जाएगा। तो अगेन डिवाइड बाय 1000 है तो पॉइंट के पीछे तीन नंबर होने चाहिए, तो ऑलरेडी दो नंबर तो है यहाँ पे, तो तीन नंबर आगे लेंगे तो 30 हम आगे जोड़ेंगे, 000 and 05, सो वी गेट 0.0004 in 5 किलोमीटर। सो ध्यान रखो सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट किया तो 5 upon 100 मतलब 0.05 मीटर। इसको किलोमीटर में करेंगे अगेन 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे 30 ऐड हो गए यहाँ 1, 2, 3, तो 05 तो है ऑलरेडी, तो 05 के आगे 000 ऐड करेंगे, सो वी गेट 0.0005 किलोमीटर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एज इट एग्जाम्पल नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। ओके, बाकी के एग्जाम्पल कल मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।